राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक भिन ब्याही बहन, सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे, पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन 28 की हो गई है कमो, मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी थैंक यू। पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे। हाँ। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर तो नहीं नहीं बस बस माँ तू रहने देना अभी क्या। ठीक है भाई चुप हो जाती। ये अच्छा है बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रख लो। अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, उसके दोस्तों को? ए राजू। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की मां की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है और रोटी दूं बेटा? नहीं 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 बस 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 हो गया, पेट भर गया। तो गाइस होप करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, शेयर कर देना।